सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज के जो हमारा वीडियो है वह सिक्स क्लास का है, जो कि अतीत से वर्तमान किताब का आठवां अध्याय, नए प्रश्न नवीन विचार। नए प्रश्न नवीन विचार में आज हम लोग जो है प्रश्नों का अवलोकन करते हैं और जो है इसको जानने का प्रयास हम लोग करते हैं। बच्चों, नए प्रश्न नवीन विचार में हम लोग जो है इसके पिछले वीडियोज में वर्ण व्यवस्था और जो है इसमें बौद्ध धर्म जैन धर्म को जो है जानने का प्रयास किया है। और बच्चों, आज जो है हम लोग इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। इसके प्रश्नों को भी हम लोग अवलोकन कर चुके हैं, तो आज क्या प्रश्न कह रहा है उसके प्रश्नों को जो है उत्तर देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है प्रश्न है, आज का जो मेरा प्रश्न है कह रहा है, गौतम बुद्ध के अनुसार दुख क्यों होता है? ठीक ना, इसको क्वेश्चन लिखते हैं। अनुसार दुख क्यों होता है? ठीक ना, तो इसके देखिए बच्चों, दुख का जो मुख्य कारण है वह जो होता है तृष्णा, इच्छा जो होती है इसे तृष्णा कहा जाता है। जिस व्यक्ति को की इच्छा जो है पूर्ति नहीं हो पाती है, वह या उसके इच्छित मन में जो वस्तु है उसकी अभिलाषा पूरी नहीं हो पाती है, तो वह मनुष्य जो है दुखी रहता है। ठीक ना, इसको लिखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें लिखे हैं गौतम बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण, ठीक ना, मुख्य कारण इच्छा कोश में तृष्णा लिखे हैं। मनुष्य को इच्छित वस्तु नहीं मिल पाती है तो वह दुख का कारण बन जाता है। ठीक ना बच्चों, तो आप ऐसे लिखेंगे फेयर कॉपी में। देखिए बच्चों, हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें कह रहा है कि महावीर के उपदेशों को लिखो। बच्चों, महावीर जो थे जो उपदेश दिए थे वह उपदेश जो है त्रिपिटक कहलाया, उसे त्रिरत्न भी कहते हैं। वह तीन चीज़ों पर जो है जोर दिए, उनका तो अगर देखा जाए तो मेन उपदेश में कर्म प्रधानता की ओर जो है ज़्यादा बल दिया गया। ठीक ना, इसमें पहला जो है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक चरित्र। ठीक ना, इसको देखते हैं क्या लिखे हैं। लिखा है महावीर के उपदेशों में कर्म की प्रधानता है। महावीर के उपदेशों में तीन मार्ग बताए गए,
पहला सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन बताया गया है आत्मा सभी जीवधारियों के शरीर में निवास करती है, इसलिए मनुष्य को सभी प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए, अर्थात अहिंसा का जो है मार्ग अपनाना चाहिए, सभी जीवों में अपने समान जो है जीवों को जो है निवास देखना चाहिए। समझ आ रहा है ना। दो नंबर जो है सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, मनुष्य को अज्ञानता क्रोध लोभ मोह आदि से छुटकारा मिल जाता है। तो बच्चा जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, समान ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसे लोभ मोह ज्ञान जो है इस सब की जो है इच्छाएं खत्म हो जाती है। तीन नंबर जो है कह रहा है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र में इसका अच्छे आचरण एवं अच्छे व्यवहार से है, अपने विचारों और बोली पर नियंत्रण रखने में अच्छे चित्त की प्राप्ति होती है। बच्चों जिस मनुष्य को अपने वाणी पर कंट्रोल हो जाता है, वाणी पर नियंत्रण हो जाता है, समझिए मनुष्य जो है अपने जो है आधा संसार को जीत लेता है। समझ रहा है ना। तो जिसके मन मस्तिष्क में और जो है नियंत्रण स्थापित हो जाता है, समझिए कि वह आधे संसार पर जो है विजय हासिल प्राप्त कर चुका है और उसकी लक्ष्य जो है बहुत ही नजदीक है। इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ बोलने से पहले सोच समझ कर ही बोलना चाहिए कि हम लोग उनको जो है क्या बोल रहे हैं और उसका असर जो है अगले व्यक्ति पर किस प्रकार पड़ेगा। तो बच्चों आप जो है घर पर हमारे बताए हुए प्रश्न के उत्तर जो भी हम बताए हैं उसको जो है बढ़िया से लिखिए और उसे अच्छे से याद कीजिए। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।